नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य खबरों में, उच्च न्यायालयों के निर्देशानुसार बीते 1 से 28 अक्टूबर तक विभिन्न स्कूलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की जानकारी देने के साथ ही बच्चों को जागरूक किया गया था। अभियान के तहत जनपद भर के स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें सर्वाधिक कूड़ा एकत्र कर उसका निस्तारण करने पर स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर डॉन बॉस्को व तीसरे स्थान पर ग्रीन वैली स्कूल। प्रतियोगिता में स्टैफर्ड को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर विद्यालय के प्रबंधक राकेश देवलाल व प्रधानाचार्य कल्पना देवलाल सहित स्टाफ ने खुशी व्यक्त की है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद बीते दिवस नैनीसैनी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर संबंधितों से जानकारियां प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर नागार्य, सुरक्षा अधिकारी श्वेताधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक गोपाल डीनिया, जगमोहन द्विवेदी, प्रकाश जोशी सहित नगर पालिका व ब्रिटकुल कर्मी उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की गोल्डनगढ़ निकिता चंद ने एक और स्वर्ण पदक जीत सीमांत सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर सीमांत जनपद में खुशी व्याप्त है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित जूनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्डनगढ़ निकिता ने मध्य प्रदेश की अंजलि को परास्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। निकिता वर्तमान में प्रशिक्षक विजेंद्र मल से बॉक्सिंग की बारीकियाँ सीख रही हैं। निकिता की इस उपलब्धि पर जनपद के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खुले में मांस बेचने व खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर न्यायालय ने 4,10,000 का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर के शर्मा ने बताया कि बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान खुले में मांस बेचने व खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 15 व्यापारियों के खिलाफ न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली के दौरान 2 दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। नमूने फेल होने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिथौरागढ़ के अशोकनगर बेलतड़ी मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर बीते दिवस लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में स्थानीय विधायक मयूख मेहर की उपस्थिति में शुरू किया गया धरना आज बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरने पर आज विधायक मेहर के साथ पूर्व प्रधान रेवाधर भट्ट, खड़क चंद्र, दान सिंह, माधव सिंह, मनोज सिंह और समर्थन में कांग्रेसी नेता महेंद्र लुंटी, राजेंद्र भट्ट, शमशेर मेहर, ललित भट्ट सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कल यानी गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य 4 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को यहां पहुंचेंगे। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह लोठी ने बताया कि कल गुरुवार की शाम को नेता प्रतिपक्ष यहां पहुंचेंगे। दूसरे रोज शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और पत्रकारों से वार्ता करेंगे। इसके उपरांत यहाँ से प्रस्थान कर कनालीसीना, डीडीहाट, अस्कुट, जौलजीबी में जनसंपर्क व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए धारचूला पहुंचेंगे। 5 नवम्बर को धारचूला में आपदा प्रभावितों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उपरांत के बरम, मतकोट, मुंस्यारी, नाजनी, कोटगाड़ी, बेरीनाग होते हुए रात्रि विश्राम गंगुलीहाट में करेंगे। दूसरे रोज 8 नवंबर को महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बागेश्वर को प्रस्थान करेंगे। पिथौरागढ़ नगर के प्रतिष्ठित स्वर्णकार गोविंद लाल चौधरी का आज दिल्ली में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे भी अस्वस्थ चल रहे थे। उनके आकस्मिक निधन का समाचार मिलने पर नगर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आकस्मिक निधन पर जनप्रतिनिधियों, स्वर्णकार संघ सहित विभिन्न संगठन ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पिथौरागढ़ में आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हुतात्मा दिवस के अवसर पर शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे, संयोजक पवन नाथ, महेश जोशी, दिनेश, ईश्वर सिंह, मोनू कुमार, सूरज बिष्ट, राजू पिरमाल, विनय पांडे, गजेंद्र बिष्ट, राजू रावत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट एचोली में बीती रात एक युवक की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आज शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात एचोली में प्रकाश पांडे, उम्र 35 वर्ष, अपने घर की छत पर मोबाइल फोन में बात करते हुए टहल रहे थे। इस दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से एचोली क्षेत्र में शोक व्याप्त है।
चंपावत में FL2 गोदाम से शराब बेचते पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर गोदाम को सील कर दिया। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा तामली रोड स्थित FL2 गोदाम से अवैध रूप से शराब बेचते व लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करते हुए दो आरोपियों मोहित सिंह निवासी सेलाखोला व मोहित गोस्वामी गोरल चौड़ को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आबकारी निरीक्षक हरीश जोशी व अन्य टीमों की उपस्थिति में FL2 गोदाम को सील किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट, ललित पांडे, कांस्टेबल नवीन सेंगर, देवेंद्र राणा, तारा दत्त आदि मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।